अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? नेता राजनीतिकरण नहीं चाहते कि मुद्दा सुलझे और ये मुद्दा ऐसे चलता रहे ताकि उनकी कुर्सी का खेल चलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं विक्रांत। आज हम चर्चा करेंगे राम मंदिर की कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से। ये बताइए कि अयोध्या में जो मुद्दा चल रहा है राम मंदिर को लेकर और बाबरी मस्जिद को लेकर, तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? देखिए, हिंदुस्तान में आस्था एक बहुत मायने रखता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? पाकिस्तान में तो बन नहीं सकता। लेकिन यहाँ बात आ जाती है दो समुदाय के बीच। दो समुदाय मुस्लिम भाई भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने, हिंदू भाई भी, हम लोग भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। लेकिन धर्म में राजनीतिकरण आने से ये माहौल, ये मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ये मुद्दा पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान का जनता का होना चाहिए, आस्था का विषय है। लेकिन जब आस्था राजनीतिक पर जब हावी होता है आस्था पे, तो कहीं ना कहीं मुद्दा अपने रास्ते से भटकता है और उसी का कारण है कि ये मुद्दा यहाँ तक चल रहा है। नहीं तो आपको इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट के बाद लगभग मुद्दा सुलझ ही गया था, लेकिन ये नेता राजनीतिकरण नहीं चाहते कि मुद्दा सुलझे और ये मुद्दा ऐसे चलता रहे ताकि उनकी कुर्सी का खेल चलता रहे। हालांकि हम कोर्ट पे टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन कोर्ट में इतने देरी हो रही है, जो भी उनका अगर डेट पे पड़ जा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, कोर्ट का तो सम्मान करना पड़ेगा हमको, और हम सभी भाई बंधु ने कहा है कि जो कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। रविशंकर प्रसाद भी कोशिश किए थे इस मुद्दा को हल करने के लिए, वो भी नहीं हो पाया। तो कोर्ट ही एक आसरा बनता है कि मुद्दा को, समस्या का समाधान हो, क्योंकि मुद्दा वर्षों से लंबित आ रहा है और ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मुद्दे का हल होना भी बहुत जरूरी है। कोर्ट का सम्मान करना पड़ेगा हमें। हालांकि दो समुदाय अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, किसी का कहना है कि यहाँ मंदिर के अवशेष मिले हैं, किसी का कहना है कि मस्जिद के अवशेष मिले हैं, तो आखिर क्या है सही? देखिए, पुरातत्व विभाग ने जांच भी किया है, खुदाई भी की है, अगर मंदिर वहाँ का अवशेष मिला भी है और इसमें दो चार लोगों का दावेदारी भी है, तो मंदिर वहाँ बनना चाहिए। ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो हम मुसलमान भाई भी चाहते हैं मंदिर बने, लेकिन एक सामाजिक सौहार्द के जोर से बनना चाहिए, ना कि किसी को त्राहिमाम करके बनना चाहिए, ना कोई हिंदू मुस्लिम का किसी को ठेस पहुँचे। मुस्लिम भाई को भी एक जगह मिल जाना चाहिए जहाँ बाबरी मस्जिद बन जाए, उनकी भी एक मान रह जाए और हिंदू भाई का भी मान रह जाए, यही हम चाहते हैं। और कोर्ट इसमें लगा हुआ है, कोर्ट ही इस फैसला कर सकता है, ना कि नेता और ये साधु संत ये मुद्दा को भटकाएंगे। नहीं, बनना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि हाँ किसी को, दोनों समुदाय में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन दोनों समुदाय के लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, उसमें कोई दावा पेश करने की कोई बात नहीं है। दोनों आदमी को समझौता कर के यही चाहिए, कोर्ट को डिसीजन दे देना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ जो मंदिर ही बन जाए वहाँ पे, कहीं पे या मस्जिद के लिए जगह दें, वहाँ मस्जिद ही बन जाए। अगर देखा जाए कि अगर मान के चलिए कि मंदिर और मस्जिद अगर नहीं बन पाता है तो क्या वहाँ बनना चाहिए? अब इसके लिए तो कोर्ट आदेश बता सकते हैं क्या बनेगा, इसके लिए तीसरा आदमी तो इसमें पक्ष में तो कोई कह नहीं पाएंगे। हमारे समझ से जो कोर्ट का निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट का, मान्य होगा। लेकिन लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं, दो समुदाय के बीच ये चर्चा चल रहा है, लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। ठीक है, लोग दावा पेश कर रहे हैं, ठीक है, सही बात है, सबको अपना अपना दावा पेश करने का अधिकार है, ये प्रजातंत्र है। लेकिन मेरा कहना यही होगा कि जो न्यायालय का फैसला होगा वही मान्य होना चाहिए। तो जो राम मंदिर है तो वो बनना चाहिए। लेकिन वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहते कि वहाँ मस्जिद का अवशेष मिले, तो वहाँ मस्जिद बनना चाहिए। तो मतलब दूरी पर ना बनेगा, वहाँ तो नहीं ना बनेगा।
नहीं, जो है राम मंदिर बना हुआ है तो बंद में करेगा राम मंदिर, दूसरा चीज तो नहीं बन सकता है। मंदिर बनना चाहिए क्योंकि राम जी का वहीं पर जन्म हुआ है। अगर राम जी का जन्म वहां पर नहीं होता तो वो मुद्दा नहीं होता, लेकिन राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था इसलिए वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। अवशेष मिला है लेकिन पहले तो राम जी का जन्म हुआ था, मस्जिद के पहले राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए वहाँ पर राम जी का जो है सो मूर्ति है और इसलिए वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, देश की गौरव है। मुस्लिम के मस्जिद के पहले ही वहाँ राम जन्म था और खुशी की बात है कि भगवान का जन्म स्थान है। भैया बोलिए चुके हैं कि जननी जन्मभूमि तो स्वर्गादपि गरीसी, भगवान का जन्म है, जन्मस्थल है, मोक्षदायक जगह है, इसलिए राम मंदिर। अलग अलग समुदाय के लोग उन फिर भी मुस्लिमों को अधिक लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर राम जन्म था, मुस्लिम को भी सपोर्ट कर रहे हैं बहुत से कि वहाँ राम जी का ही जन्म था, राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर एकदम बनना चाहिए, उसमें दो मत ही नहीं है, उसमें विवाद ही नहीं होना चाहिए। अब एक हम उदाहरण देते हैं, ये आप मंदिर पर आए हैं, अगर हम 10 आदमी आज इनको दखल कब्जा से दखल से हटा दें, दखल हम कर लें इनको, ये कोर्ट जाएंगे, कोर्ट तो लंबा खींचेगा, हम हमारा है, ये भी सबूत देंगे, हम भी सबूत देंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। आस्था का चीज़ है, बाबा बोले हैं कि जो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तो स्वर्गों से बढ़ के जननी जन्मभूमि का महत्व दिया गया है। राम जहाँ पैदा हुए उनका चीज़ है, राम आज के नहीं हैं, उनका खानदान दर खानदान का है, राम तो त्रेता में आए हैं, सतयुग ही से इनका चीज़ है, उस पर कोई दखल करता है वो नजायज है, दखल नहीं करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर अपना हक जमा रहे हैं, वो तो अपना हक जमा रहे हैं,
वो नजायज़ ना है, हक नहीं जानना चाहिए, न्याय वाली बात होना चाहिए कि वास्तव में वो हमारा चीज़ है कि नहीं है, वो टूटा है कि नहीं टूटा है, उस पर कौन आकर के तोड़ा, क्यों तोड़ा, हम उसको सुपुर्द कर दें, ये बात होना चाहिए। अवशेष तो दोनों ही के मिले, मंदिर के भी अवशेष मिले। हाँ हाँ, तो मंदिर वही ना, मस्जिद का अवशेष कहाँ से मिला, कब मिला, मस्जिद का अवशेष कब मिला है, कब मस्जिद कब बना, कौन बनाया, क्यों बनाया, क्यों दखल किया, वो तो आतंकवादी था, आकर के किसने हमारे हिंदू भाई को मुसलमान बनाया, हम तो इतिहास इतिहास देखिए, इतिहास देखिए, औरंगजेब बाबर आया है, बाबर के हम तो भुला रहे हैं, बाबर आया है, अकबर आया है, हुमायूं आया है, शाहजहां आया है, सलीम आया है, औरंगजेब आया है, दारा मुजा सुजा चार गो बेटा आया, क्रो मार करके एगो बेटा राज किया, तब अंग्रेज आया है, अंग्रेज ही हम लोगों को जलियांवाला बाग में का किया, तो हम लोग हिंदुस्तानी एक होकर के उसको देश से निकाले, तो ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, जिसका जो चीज़ है उसको सुपुर्द कर देना चाहिए, हिंदू का हिंदुस्तान है वो आस्था का चीज़ है, जो पक्ष उस पर दावा कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि हिंदू का ये चीज़ है, विदेशी हमारा तो देसी नहीं था, विदेशी था अकबर बाबर हुमायूं, तो बाबर जो विदेशी रह करके यहाँ आ करके तोड़ करके एक ही जगह नहीं कितना जगह विनाश किया है वो, तो हमारे हिंदू में एकता नहीं था, हम लोग कमज़ोर थे और उनका शासन था, तो प्रशासन के साथ है, जनता कितना लड़ सकता है, इसलिए वो यहाँ तोड़ के मस्जिद बना दिए, अब वो जो दावा कर रहे हैं कि तो नाजायज है, और यहाँ तो हिंदुस्तान है सेकुलर है, सेकुलर बेकार है, इसे बढ़िया अंग्रेज का था, बाघ बकरी एक घाट में पानी पीता था, जब से सेकुलर देश हुआ गरीबों के नाम पर लोग बना लिए, अभी जेल काट रहे हैं बड़े बड़े नेता, और उनके घरियालू आंसू बहा रहे हैं परिवार, जो ज़बरदस्ती उसमें ठेल दिया है जेल में, अब जेल में ज़बरदस्ती हमारा सिपाही जेल में पकड़ लेगा कि भिखमंगा को नहीं पकड़ेगा जब तक वो गलती नहीं करेगा, तो सेकुलर देश हुआ, सेकुलर देश में राजनीतिक नहीं करेंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा, अब मनुवर सिद्ध भी कांग्रेस के लोग, हम तो खुल के बोलते हैं कांग्रेस ही के लोग हैं, इसके बाद होना चाहिए, इलेक्शन के बाद होना चाहिए, क्या इलेक्शन के पहले हो जाता तो क्या होता, अब ये पक्ष दिए थे कि भाई इतना जल्दी तारीख नहीं हो, क्यों नहीं हो, इतना बरस ही लटका, जुग जमाना कहिए बरस नहीं, जुग जमाना से लटका हुआ था, जितना जल्दी उसका डिसाइड हो जाएगा अच्छा है, अभी तक डिसीजन पेंडिंग है, कई डेट मिल रहे हैं ना, तो अब तो आ गया रास्ता पर, अब तो डेट पर डेट, डेट पर डेट हो रहा है, जितना जल्दी हो उसका निर्णय हो जाएगा, हाँ उसका निर्णय हो जाएगा अच्छा है, बढ़िया है, होना चाहिए, तो मंदिर वहाँ बनना चाहिए, मंदिर एकदम, मंदिर जिसका चीज़ है उसको वापस होना चाहिए, मंदिर बनना नहीं चाहिए, जिसका चीज़ है कोई किसी का गरीब को दखल कर लिए घर द्वार खेत पथार अभी भी हो रहा है, लेकिन नहीं करना चाहिए, मानवता रखना चाहिए, विचार रखना चाहिए, मानवतन है, किसी का चीज़ पर कभी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। तो आपने सुना लोगों का साफ तौर पर कहना कि अयोध्या में राम मंदिर ही बने। सहयोगी आनंद के साथ विक्रांत कुमार, न्यूज़ 111 पटना। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।